नमस्कार, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर में जिस प्रकार से पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भनोट के द्वारा पीडीएस दुकानों में वितरित किए जाने वाले चावल को लेकर सरकार को घेरा गया था, अभी तो कांग्रेस भी मामले को लेकर मैदान में उतर आई है। युद्ध कांग्रेस को जबलपुर उपाध्यक्ष विजय रजक के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युद्ध कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौंपा। वही युद्ध कांग्रेस के जबलपुर उपाध्यक्ष विजय रजक ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार सरकार द्वारा गरीब को राशन दुकान वितरित किए जाने वाले किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है, अब यह ध्यान विपणन संघ द्वारा डीएमओ रोहित सिंह बघेल को एवं मिल के द्वारा एवं क्रांति धान को बेचा जा रहा है एवं उसके बदले यूपी बिहार से दो घटिया क्वालिटी का गुणवत्ता विहीन चावल धरले से जबलपुर आ रहा है और इसी को अपडेट करके वेयर हाउस में जमा किया जा रहा है। सब यह प्रक्रिया खुलेआम अंजाम दी जा रही है। डीएमओ रोहित सिंह बघेल का 5 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन फिक्स है। मामले को लेकर कई बार पहले भी मिला और वेयर हाउस संचालकों के द्वारा लोकायुक्त को शिकायत की गई है, पर अभी किसी प्रकार की कार्रवाई मामले में नहीं हुई है। वही गरीब जनता को पीडीएस दुकानों से गुणवत्ता विहीन चावल वितरित किया जा रहा है। मामले को लेकर युद्ध कांग्रेस के द्वारा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। वाई की तरफ से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है उसमें जो धान की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। हमने ज्ञापन दिया है और संबंधित को भेज के जाँच करें। लगातार कई राशन दुकानों से शिकायतें आ रही हैं, किस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए गए? सभी को जाँच के निर्देश दिए गए हैं। जाँच के बाद आज जबलपुर युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के नाम यहाँ पे एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है कि बहुत बड़ी जो चावल जो अनाज राशनों में वितरण किया जाता है उसमें एक बहुत बड़ी धांधली सामने आई है। आज जब आप अपने क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि चावल खरीदने के बाद जो गरीब व्यक्ति है वो तत्काल पास की दुकान में जाकर अपना चावल 12 रुपये किलो में बेच देता है और कुछ देर बाद वहाँ पर राइस मिल संचालक लोग आते हैं जो वो ही चावल 17 रुपये में ख़रीद लेते हैं और थोड़ी देर बाद 2-3 दिन बाद वो चावल जबलपुर के वेयर हाउसों में जमा हो जाता है कि ये दराई करके उन्होंने जमा कर दिया। मतलब शासन के द्वारा गरीबों को राशन में बांटने के लिए इस किसानों से धान खरीदी जाती है, धान मिलों को दी जाती है दराई करने के लिए और जो अच्छी गुणवत्ता की जो हमारी धान है मध्य प्रदेश की उसे आंध्र प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में बेच दिया जाता है यहाँ के मिलरों द्वारा और वापस से खराब जो धान है जो चावल यूपी बिहार से लाकर उसे यहाँ पे जमा कर दिया जाता है। इसमें यहाँ के अधिकारी भी संलिप्त हैं, जो मध्य प्रदेश विपणन मर्यादित संघ के जो डीएमओ हैं रोहित सिंह बघेल जी, उनका 5 रुपये प्रति क्विंटल इसमें कमीशन है। आप 5 रुपये प्रति क्विंटल तो कितनी आपकी धान है उसमें कोई भी प्रकार की केमिकल जांच नहीं होगी, वो जाकर जमा कर दिया जाता है। आज हमने कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंप के मांग की है कि जो धानें अभी तक हमने दी हैं क्या जो सैंपल हम देते हैं क्या उसकी जांच होती है कि वही सैंपल हमको मिल वाले वापस कर रहे हैं, और अगर वापस कर रहे हैं तो क्या उसकी केमिकल जाँच होती है कि वो अभी ताज़ा दराई है कि 1 साल पुराना कहीं से कचड़ा खरीद के जमा कर रहे हैं। अभी इस मामले में हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री वित्त तरुण भानोट जी ने भी इस मामले को उठाया था, शिवराज सिंह चौहान जी तक बात कही है, लेकिन मामला इतना हल्का नहीं है। कंटिन्यू लगातार अभी 20 लाख क्विंटल यहां से माल उठाया जा चुका है दराई के नाम पे। ऐसी मिलें जो अभी बंद हैं उन्होंने 50 लाख जमा कर दिए हैं दराई करके। मतलब क्या कारण है कि धान लेते हो बाहर से चावल खरीद के अपना कमीशन खा के यहाँ के अधिकारियों को खिला के जमा कर दिया जा रहा है। अभी बहुत जल्द युवा कांग्रेस में पर्दाफाश करेगी, हमारे पास सूची है किन किन मिलों को दिया गया है, कौन सी मिल चालू है और कौन सी बंद है और कितना जमा हो चुका है। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा एक जनहित याचिका लगाकर कोर्ट के माध्यम से ये निवेदन किया जाएगा कि उस माल की जांच कराई जाए क्या जो माल दिया गया था वही वापस आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबों को गंदा राशन उनको जहर खिलाया जा रहा है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो लगातार चरणबद्ध आंदोलन होंगे, आने वाले प्रभारी मंत्रियों का मुख्यमंत्रियों का युवा कांग्रेस विरोध करेगी, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग लामबंद रहेंगे इस मामले में।